नमस्कार। आज हमारे ई लेक्चर का टॉपिक है स्पेशल रिब्स एंड कॉर्ड स्ट्रक्चर्स। सादा बुनाई संरचनाएं जिसमें ताना और बाना धागे के बीच मोटाई और संख्या प्रति इकाई स्थान में काफ़ी अंतर मौजूद होता है, यानी पर यूनिट स्पेस में ताना और बाना के धागे में बहुत डिफरेंस अगर रखा जाता है, जिसे रिब और कॉर्ड प्रभाव कहा जाता है, जिसमें कि ताने की मोटाई या ईपीआई या पीपीआई का डिफरेंस रखने से रिब और कॉर्ड्स का प्रभाव बनता है। कॉर्ड शब्द को अक्सर पसलियों की आकृतियों के लिए काम में लिया जाता है, जो कपड़े की लंबाई को चलाने के लिए उन्हें हॉरिजॉन्टल रूप से चलाने वालों से अलग करते हैं। उन कपड़ों में जहाँ प्रति इकाई स्थान पर यानी पर यूनिट स्पेस पर सिरों की यानी एंड्स की संख्या काफ़ी हद तक पिक्स की संख्या से अधिक हो जाती है। बाद वाले कपड़े में पिक्स सीधे रहते हैं और सिरे एंड्स उनके ऊपर मुड़ जाते हैं और परिणामतः एक ताना रिब संरचना यानी वार्ट रिब संरचना बनती है। यदि विपरीत परिस्थितियां प्रबल होती हैं तो एंड्स सीधे रहते हैं, जिससे एक वेफ्ट रिब संरचना बनती है। प्रत्येक मामले में रिब की प्रमुखता को समझा जाता है। यदि सीधे धागे उनकी तुलना में अधिक मोटे होते हैं जो मुड़ते हैं, तब विशेष बुनाई के यानी स्पेशल रिब के साथ कपड़े में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस, क्षैतिज लकीरें यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस और गड्ढे नुमा शेप बनती है, जो विशेष रिब स्पेशल रिब और कॉर्ड प्रभाव कहलाते हैं। स्पेशल रिब और कॉर्ड संरचनाएं निम्न हैं। कॉर्ड कॉर्क स्क्रू पहला है, कॉर्क स्क्रू वीव्स, दूसरा है बैडफोर्ड कॉर्ड और तीसरा है वेड्स एंड पिकेशन वीव्स। पहला कॉर्क स्क्रू वीव्स, ये मूल रूप से कठोर बुनाई है और रीअरेंज्ड इंटरलेसमेंट की एक महत्वपूर्ण सीरीज का निर्माण करते हैं। वे अच्छी स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और वार्मथ के साथ दृढ़ और सघन बनावट का निर्माण करने में सक्षम है, इसलिए ये वर्स्टेड कपड़ों के उत्पादन में उपयुक्त होती है। कॉर्क स्क्रू बुनाई के निर्माण में दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। पहला, रिपीट का आकार एक विषम संख्या होना चाहिए और दूसरा, तानामुखी बुनाई के मामले में वेफ्ट फ्लोट की तुलना में ताना फ्लोट एक अधिक होना चाहिए और बानामुखी बुनाई के मामले में इसके विपरीत। कॉर्क स्क्रू बुनाई को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। पहला तानामुखी यानी वार्ट फेस्ड कॉर्क स्क्रू भी और दूसरा बानामुखी यानी वेफ्ट फेस्ड कॉर्क स्क्रू भी। वेफ्ट फेस्ड वीव का निर्माण निरंतर यानी रेगुलर ट्विल को वेफ्ट वे से में पुनर्व्यवस्थित रीअरेंज करके किया जाता है और बानामुखी यानी वेफ्ट फेस्ड वीव में रेगुलर ट्विल को वेफ्ट वे में रीअरेंज करके निर्माण किया जाता है। चुने गए बेस ट्विल में विषम रिपीट का आकार होना चाहिए, इसके समकक्ष से एक अधिक थ्रेडिंग का कोई धागा होना चाहिए। दूसरे शब्दों में या तो वार्प फ्लोट वेफ्ट फ्लोट से एक अधिक होना चाहिए या वेफ्ट फ्लोट वार्प फ्लोट से एक अधिक फ्लोट होना चाहिए। एक वार्प फेस कॉर्क स्क्रू डिजाइन फिगर ए में दिखाया गया है और वेफ्ट फेस कॉर्क स्क्रू डिजाइन बी में दिखाया गया है। देखिए यहाँ हमने 7x7 पर एक रेगुलर ट्विल बनाया है, जिसका मैनर 4 अप 3 डाउन हमने लिया है। ऊपर लेफ्ट हैंड साइड का फिगर ए में देखिए, इसमें वीव को कंप्लीट कर दिया हमने रेगुलर ट्विल वीव को। अब हम इसको रीअरेंज करेंगे नीचे, जब हमने ऊपर वाले थ्रेड्स को 1 से 7 तक मार्क किया है और नीचे 1 to 7 रोमन में हमने मार्क किया है। अब हम जो इसको रीअरेंज करेंगे, फर्स्ट को एक नंबर को
वन में डालेंगे, जो मैनर है हमारा एक नंबर में थ्रेड में बेसिक व्यू का। अब बेसिक व्यू का जो दो नंबर में मैनर है उसको हम लेकर जाएंगे थर्ड में, और तीन नंबर में है उसको लेकर जाएंगे फिफ्थ में, और फोर्थ नंबर पे जो है उसको लेकर जाएंगे सेवन्थ में। इस तरह हम ये मैनर फिल करेंगे। उसके बाद रीअरेंज वाले में फोर्थ फिफ्थ नंबर का जो है उसको हम लेंगे सेकंड में, और सिक्स्थ को लेंगे फोर्थ में, और सेवन्थ को लेंगे सिक्स्थ में। इस तरह हमने अल्टरनेट थ्रेड्स को रीअरेंज किया है बेसिक ट्विल को। इसी तरह फिगर बी में हमने वेफ्ट फेस्ट कॉर्कस क्यू बनाया है, जिसको रेगुलर ट्विल बनाने के बाद जिसको हमने फोर डाउन थ्री अप का मैनर लिया है, थ्री अप फोर डाउन का मैनर लिया है, और लेफ्ट हैंड ट्विल बनाई है। रेगुलर ट्विल बनाने के बाद अब हम वेफ्ट वे, क्योंकि हम वेफ्ट वे इसको रीअरेंज करेंगे, तो वेफ्ट्स को एक से लेके सात तक हमने बेसिक ट्विल वाले को मार्क किया है, और रीअरेंज वाले को 1 to 7 रोमन में हमने अरेंज किया है, और जैसा हमने पिछले व्यू में किया था बिल्कुल उसी तरह पहला वेफ्ट का अरेंजमेंट पहले वेफ्ट में रखेंगे, दूसरे का थर्ड में, तीसरे का फिफ्थ में, और फोर्थ का सेवन्थ में, और फिर फिफ्थ को सेकंड में, सिक्स्थ को फोर्थ में, और सेवन्थ को सिक्स्थ में। इस तरह हम इसको अरेंज करेंगे, और इस तरह ये हमारी वार्क फेस्ड और वेफ्ट फेस्ड कॉर्क स्क्रू की दोनों व्यूज तैयार। सेकेंड टाइप है बेडफोर्ड कॉर्ड्स। बेडफोर्ड कॉर्ड बुनाई का एक वर्ग है जो कपड़े में लॉन्गिट्यूडनल वार्प लाइनों का निर्माण करता है, जिसके बीच में महीन धारीदार रेखाएं होती हैं। इनका निर्माण एक पिक्स की जोड़ी यानी एक पेयर ऑफ पिक्स या अल्टरनेट पिक्स के रूप में किया जाता है। कॉर्ड वीव सादी बुनाई के तरीके से बारी बारी यानी अल्टरनेटेड तरीके से होता है। कॉर्ड वीव का जो निर्माण है वो सादी वीव का अल्टरनेट तरीके से उसको रीअरेंज करके बनाया जाता है। इसलिए कॉर्ड इफेक्ट का उत्पादन ठोस रंगों से रिप्स प्रभाव लाने में सक्षम है। आमतौर पर कॉटन और वर्स्टेड यार्न का उपयोग बेडफोर्ड कॉर्ड के उत्पादन में किया जाता है। कॉटन का उपयोग हल्के बनावट की बुनाई में किया जाता है, लाइट टेक्सचर भी जो बनाई जाती है उनमें किया जाता है, जबकि हैवी टेक्सचर वाले में वर्स्टेड का उपयोग किया जाता है। बेडफोर्ड कॉर्ड के डिज़ाइन में वार्प थ्रेड्स की दो सीरीज को काम में लिया जाता है। पहला ग्रुप फेस के धागों का गठन करता है, फॉर्मेशन ऑफ फेस थ्रेड्स, जो कि वैकल्पिक या पेयर ऑफ पिक्स पर कॉर्ड और प्लेन वीव के रूप में बुनते हैं। काटने वाले एंड्स के रूप कटिंग एंड्स के रूप में जाने जाने वाले धागे का दूसरा समूह सादे रूप में बुनाई करता है। कटाई वाले छोर यानी कटिंग एंड्स पास वाली डोरियों कॉर्ड्स को अलग करती हैं, पड़ोसी कॉर्ड्स को अलग करती हैं। कॉर्ड्स को वैकल्पिक रूप में सादा या ट्विल बुनाई के वेफ्ट वे में निर्माण किया जाता है। कभी कभी सामान्य वार थ्रेड्स के बीच विशेष थ्रेड्स को स्पेशल थ्रेड्स को जो कि वेडिंग थ्रेड्स के रूप में डाला जाता है। इसका उद्देश्य डोरियों की प्रमुखता बढ़ाना और कपड़े का वजन बल्क और स्ट्रेंथ बढ़ाना होता है। वेडिंग थ्रेड्स कभी भी वेफ्ट के साथ नहीं जुड़ते हैं यानी इंटरलेस नहीं करते हैं, लेकिन अपने संबंधित कॉर्ड्स की रिजेस और बैक पर फ्लोटिंग वेफ्ट के बीच
बिल्कुल सीधे अवस्थित हो जाते हैं। आमतौर पर वेडिंग थ्रेड्स प्रिंसिपल या फेस वार थ्रेड्स की तुलना में काफ़ी मोटे धागों के होते हैं, और चूंकि ये कभी बाने के साथ इंटरलेस नहीं करते हैं लेकिन सीधे रहते हैं, इसलिए बुनाई के दौरान इनका निर्माण शून्य होता है। यह स्थिति वेडिंग थ्रेड्स के लिए एक अलग ताना बीम की आवश्यकता होती है। यहाँ जो स्थिति है इसमें एक अलग ताना बीम की आवश्यकता होती है, और बुनाई के दौरान फेस वार थ्रेड्स की तुलना में अधिक तनाव में होता है, यानी कि जो वेडिंग थ्रेड्स होते हैं वो ज़्यादा टेंशन में रखे जाते हैं बजाय के फेस वार थ्रेड्स के। क्लासिफिकेशन ऑफ बेडफोर्ड कॉर्ड्स। बेडफोर्ड कॉर्ड्स प्लेन फेस्ड और ट्विल फेस्ड दो तरह की हैं। प्लेन फेस्ड को फिर सब डिवाइडेड किया गया है, सब क्लासिफाइड ऑन अल्टरनेट पिक्स और ऑन पेयर ऑफ पिक्स। और अगला जो उनका क्लासिफिकेशन है, ये दोनों वाडेड थ्रेड्स के साथ भी बनाए जा सकते हैं। ट्विल फेस्ड में ओनली ऑन अल्टरनेट पिक्स पर इसको बनाया जाता है, एक ही क्लासिफिकेशन है सब क्लासिफिकेशन, और उसको ट्विल फेस्ड वाडेड बनाया जा सकता है। प्लेन फेस्ड बेडफोर्ड कॉर्ड्स इस प्रकार में कॉर्ड का या रिब प्रभाव को कॉर्ड के साथ वैकल्पिक बुनाई यानी अल्टरनेट वीव या पिक पेयर ऑफ पिक्स के साथ प्लेन वीव द्वारा निर्मित किया जाता है। चित्र में पिक्स की एक जोड़ी पर एक सादे फेस प्लेन फेस बेडफोर्ड कॉर्ड के निर्माण को दर्शाता है, और चित्र में वैकल्पिक पिक्स पर निर्मित एक बेडफोर्ड कॉर्ड दिखाता है, यानी कि फिगर ए और फिगर बी अलग अलग दिखाए गए हैं। फिगर ए में पेयर ऑफ पिक्स और फिगर बी में अल्टरनेट पिक्स पर बेडफोर्ड कॉर्ड बनाया गया है। चित्र ए में बेडफोर्ड कॉर्ड का दोहराव यानी रिपीट दिखाया गया है। रिपीट कटिंग एंड स्प्लिट एंड फेस एंड में विभाजित होता है। काट यानी कटिंग एंड्स में सादा बुनाई होती है और फेस के एंड्स की बुनाई होती है। चित्र में कटिंग सिरों का यानी कटिंग एंड्स का इंटरलेसमेंट कॉम्बिनेशन जो है फिगर बी में दिखाया गया है। चित्र सी चेहरे के फेस के एंड्स का कॉम्बिनेशन दिखाया गया है। देखिए ए सबसे पहले हम सी और एफ मार्क करेंगे, कॉर्ड थ्रेड्स और फेस थ्रेड्स। प्लेन कटिंग थ्रेड्स जो हैं सी से कटिंग थ्रेड्स और एफ से फेस थ्रेड दिखाए गए हैं ए में। सबसे पहले कटिंग थ्रेड्स को प्लेन व्यू में फिल करते हैं, देन बी में यहाँ पर दिखाया गया है कि हम फेस थ्रेड्स को पेयर ऑफ पिक्स पर इंटरलेस करते हैं। एक फ्लोट बनता है पेयर ऑफ पिक्स का, जितने हमारे फेस थ्रेड्स हैं वहाँ वो टू अप और टू डाउन, देन अगले उस सेक्शन में टू डाउन और टू अप, ये हमने फ्लोट बना दिया है वेफ्ट का। सी में अब हम जो बना रहे हैं, जो हमारे फेस एंड्स जो ब्लैंक रह गए थे उसमें हम प्लेन व्यू फिल कर देंगे। दोनों सेक्शंस में वन अप वन डाउन के मैनर में हम इसको फिल करके फ्लोट्स जो है वो बना देते। डी ड्राफ्ट दिखाया गया है और ई में पैक प्लान और एफ में क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया गया है। देखिए किस तरह ये रिजेस कॉर्ड्स बनती हैं बैक साइड में। नीचे ये फ्लोटिंग वेफ्ट है और ये ऊपर जो है ये हमारा फेस ऊपर चार ये फेस के जो थ्रेड्स हैं फेस के वार्प हैं उनको दिखाया गया है, और ये इस तरह कॉर्ड इफेक्ट जनरेट होता है। चित्र सी डी ई और एफ डिजाइन ड्राफ्ट पैक प्लान और बेडफोर्ड कॉर्ड के क्रॉस सेक्शन को दिखाते हैं। फिगर एफ पर फेस के साथ रिपीट में विभिन्न पिक्स के कटाव और कटिंग सिरों को दिखाया गया है।
ऊपर के उदाहरण में फेस एंड्स से कटिंग एंड्स का अनुपात 2:4 है, यानी कि दो अगर हमने कटिंग एंड्स लिए हैं तो 4 फेस एंड उसमें लिए हैं। चित्र में वैकल्पिक पिक्स पर एक प्लेन फेस बेडफोर्ड कॉर्ड के निर्माण को दर्शाया गया है। चित्र ए फेस और कटिंग एंड्स को दर्शाता है। चित्र बी बेडफोर्ड कॉर्ड डिजाइन प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक पिक्स या अल्टरनेट पिक्स पर प्लेन बी फिल की गई है। देखिए सी से कटिंग थ्रेड्स और बाकी इसमें हमने अल्टरनेट थ्रेड्स पर फेस के अल्टरनेट थ्रेड्स पर फिल किया है। लेफ्ट पर अल्टरनेट पिक पर हमने प्लॉट बनाया है। बी में हमने बीच में जो ब्लैंक है वहाँ पर हमने प्लेन व्यू फिल कर दिया है और इस तरह ये हमारा प्लेन फेस्ड बेडफोर्ड कॉर्ड ऑन अल्टरनेट पिक्स का भी तैयार हो गया। सी डी और ये आगे जो है सी में ड्राफ्ट दिखाया गया है, बैक प्लान और क्रॉस सेक्शन इसमें कंप्लीट दिखाया गया है। कपड़े के वजन को बढ़ाने या कॉर्ड प्रभाव को बढ़ाने के लिए कुछ वेडेड थ्रेड्स को फेस के धागों के बीच में इंट्रोड्यूस किया जाता है। वेडेड थ्रेड्स आमतौर पर फेस के धागे की तुलना में मोटे और एक सस्ती सामग्री से बने होते हैं। एक स्पेशल एग्जांपल चित्र में दिखाया गया है। चित्र ए पर प्लेन फेस्ड वाले वेडेड बेडफोर्ड कॉर्ड के डिजाइन को दिखाया गया है। यहाँ देखिए प्लेन फेस्ड वाला जो हमारा वीव था उनके बीच में दोनों सेक्शंस में एक एक हमने वेडेड थ्रेड इंट्रोड्यूस किया है और उसको जो फेस का फ्लूट था उसके साथ वहां पर उसको अप किया गया है और बाकी जगह उसको डाउन किया गया है। तो ये फेस फैब्रिक और बैक फ्लोटिंग वेफ्ट के बीच में वाटर थ्रेड रेस्ट करता है। तो ये इस तरह जो कि क्रॉस सेक्शन में देखिए एक वाटर थ्रेड को दिखाया गया सर्किल के रूप में बीच में। वाटर थ्रेड्स को फेस थ्रेड्स और बैक वेफ्ट फ्लोट के बीच में इंट्रोड्यूस किया जाता है। डिफरेंशिएट करने के उद्देश्य के लिए फेस कटिंग और वेडेड थ्रेड्स को क्रमशः अलग अलग नोटेशन द्वारा दिखाया गया है। चित्र सी में डिजाइन का वार्प वे क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। ट्विल फेस्ड बेडफोर्ड कॉर्ड इस तरह के कॉर्ड में एक कॉर्ड या रिब बुनाई के साथ एक बेहतर प्रभाव प्राप्त करने के लिए सादी बुनाई के बजाय यानी प्लेन वीव के बजाय एक ट्विल वीव का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार में ताना को सतह पर अधिक प्रमुखता से लाया जाता है यानी कि वार्प जो है वो हाईलाइट किया जाता है। चित्र में एक ट्विल फेस्ड बेडफोर्ड कॉर्ड के डिजाइन को दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पर हमने 6 पिक्स पर बनाया है इसको, जिसमें कटिंग थ्रेड्स और फेस थ्रेड्स का जो रेशियो 2:6 है और इसमें सबसे पहले कटिंग थ्रेड्स फेस कटिंग इनको हम मार्क कर देंगे। कटिंग थ्रेड्स पर हमने प्लेन व्यू फिल किया है और उसके बाद अल्टरनेट पिक पर हमने फ्लोट बनाया है जिससे जो क्रॉसेस से दिखाया गया है और जो मोटिफ बी में हमने लिया है 1:2 ट्विल व्यू, क्योंकि हमें इसको ट्विल फेस बनाना है तो हमने 1:2 का ट्विल लिया है और इसको हम फेस के थ्रेड्स में वीव को फिल करेंगे। जैसे कि क्रॉस सर्किल जो दिखाया गया है, क्रॉस सर्किल का जो मार्क है वो ट्विल वीव को
दिखाता है। इस तरह हम इसमें 12 भी फिल कर देते हैं और ये कंस्ट्रक्शन ऑफ 12 फेस्ड बेडफोर्ड कोर्ट का डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। चित्र ए में 12 फेस बेडफोर्ड कोर्ट को दिखाया गया है। वैकल्पिक पिक्स पर 12 बुनाई डाली जाती है। बी में मूल 12 बुनाई बनाई जाती है जो कि वन अप टू डाउन 12 है। कॉर्ड का रिपीट साइज 16x6 है जिसमें फेस और कटिंग सिरे शामिल हैं। प्लेन फेस बेडफोर्ड कॉर्ड की तरह ही इनमें भी वेडिंग धागे इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, यह आगे के चित्र में दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर जो पिछला हमने 12 फेस्ड बेडफोर्ड कॉर्ड बनाया था उसी में हमने एक एक दोनों सेक्शंस में दो थ्रेड, एक एक थ्रेड हमने वॉडेड थ्रेड जिसको कि W से यहाँ दिखाया गया है वो हमने उसमें इंट्रोड्यूस किया है और इसको फ्लोट के साथ हमने अप किया है। जहाँ पर फ्लोट बनता है बैक का वहाँ पर जहाँ फेस वार्प अप है वहीं वार्डेड को हमने अप किया है जो कि फ्लोटिंग थ्रेड्स और फेस वीव के बीच में फ्लोट करता है, रेस्ट करता है। चित्र ए में एक वार्डेड 12 फेस्ड बेडफोर्ड कॉर्ड डिजाइन दिखाया गया है। एक 2 अप 1 डाउन 12 को चुना गया है। चित्र बी और कॉर्ड के साथ डाला गया है। वेडिंग थ्रेड्स को फेस थ्रेड्स के बीच में डाला जाता है, फेस थ्रेड्स और फ्लोटिंग थ्रेड्स के बीच में डाला जाता है और कॉर्ड थ्रेड्स के साथ काम लिया जाता है। वेडेड धागे पिक्स के साथ बुनाई नहीं करते हैं। एंड यूजेज ऑफ बेडफोर्ड कॉर्ड, बेडफोर्ड कॉर्ड से ड्रेस मटेरियल, मिलिट्री ड्रेस सूट, ऊनी और यानी वूलन एंड वर्स्टेड भारी हैवी यूजेस के लिए अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला इसमें मिलती है। थर्ड इज बेल्ट एंड पिके। बेल्ट्स और पिके में कम या ज्यादा स्पष्ट लकीरें होती हैं और पसलियों, वेल्ट्स या डोरियों की एक श्रृंखला का निर्माण होता है जो सादा कैलिको बुनाई की सतह के साथ होता है और फैब्रिक की चौड़ाई में समानांतर रेखाओं में अर्थात बाने के धागे की दिशा में फैली होती हैं। जो कॉर्ड्स बनती हैं, जो रिप्स बनती हैं वो सेलवेज टू सेलवेज या कपड़े की चौड़ाई के पैरेलल ये कॉर्ड्स बनती हैं। एक पिके संरचना में एक सादे फेस के कपड़े, प्लेन फेस कपड़े होते हैं जो वार्प की एक श्रृंखला और वेफ्ट की एक श्रृंखला से बने होते हैं और पीछे के धागे या स्टिच धागे की एक अन्य श्रृंखला होती है, यानी कि स्टिच थ्रेड उसमें यूज किया जाता है, स्टिच वार्प। तो वार्प की दो सीरीज हो गई, एक फेस और एक स्टिच और दूसरा वार्प की वेफ्ट की एक सीरीज। स्टिच के सिरों को, स्टिच एंड्स को एक अलग हैवी बीम पर रखा जाता है जो कि स्टिच के ताने को, स्टिच वार्प को अधिक तनाव प्रदान करने के लिए होता है, यानी कि स्टिच थ्रेड्स थोड़े टाइटली टेंसन्ड होते हैं। पिके संरचनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक करगा उपकरण दो वार बीम, सामान्य तनाव के तहत एक फेस के लिए और भारी तनाव के तहत एक स्टिच ताना के लिए होते हैं। एक फास्ट रीड बीटअप मैकेनिज्म और ड्रॉप बॉक्स, यानी 2x2 या 2x2 का ड्रॉप बॉक्स या वाडेड डिजाइन के लिए। टाइट स्टिच एंड्स को सादे यानी प्लेन फेस की बनावट में एक साथ मिलाया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप बाद वाले को नीचे खींचा जाता है और सतह पर एक खरोंच बनता है, यानी इंडेंटेशन बनता है। कपड़े के अनस्टिच्ड हिस्से की प्रमुखता बढ़ाने के लिए वेडिंग फिक्स को आमतौर पर टाइट बैक स्टिचिंग एंड्स और स्लैक फेस फैब्रिक के बीच डाला जाता है। पिके कपड़े मुख्य रूप से ग्रे या प्राकृतिक अवस्था में बुने हुए सूती कपड़े से निर्मित होते हैं, इन कॉटन से बनाया जाता है और फिर इन्हें ब्लीच किया जाता है। वे अलग अलग बनावट की एक किस्म में निर्मित होते हैं जिस उद्देश्य के लिए वे अभिप्रेत है, यानी जिस पर्पज के लिए उन्हें बनाया गया है उसके उसी हिसाब से उसकी बनावट की जाती है। वेल्ट्स
और टिके संरचना को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, ऑर्डिनरी वेल्स पिके और वेफ्ट वर्डेड वेल्स और पिके, लूज बैक और फास्ट बैक। ऑर्डिनरी वेल्ट स्ट्रक्चर, ऑर्डिनरी और वेल्ट और पिके स्ट्रक्चर्स। इस प्रकार की वेल्ट संरचनाओं में इंडेंटेशन लगातार धसी हुई रेखाएं बनाते हैं जो कपड़े में हॉरिजॉन्टल रूप से चलती हैं। एक कॉर्ड की चौड़ाई में फेस पिक्स की संख्या आवश्यकता के अनुसार भिन्न होती है, लेकिन आमतौर पर लगातार पिक्स की संख्या में जो अनस्टिच्ड होती हैं वह 12 से अधिक नहीं होनी चाहिए। चित्र एक में साधारण वेल्ट संरचनाओं के डिजाइन को दर्शाया। देखिए यहाँ पर पहला जो है टू फेस और वन स्टिच का मैन लिया है रेशियो, तो इसका अरेंजमेंट जो किया है फेस स्टिच फेस फेस स्टिच फेस, इस तरह इनको अरेंज किया है वहाँ वार्प के थ्रेड्स को, और पिक्स जो है वो रेगुलर है। फेस थ्रेड्स को हम प्लेन वीव से फिल करते हैं और जो स्टिच थ्रेड है उसको देखिए यहाँ पर ब्लैक कलर से मार्क किया गया है, दो थ्रेड्स को, दो पिक्स को ब्लैक थ्रेड से मार्क किया गया, ब्लैक कलर से मार्क किया गया है। इसके ऊपर ड्राफ्ट और साइड में ये आपको क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाया गया है जिसमें बैक साइड में स्टिच थ्रेड टाइट स्टिच वार्प एंड है और ऊपर फेस थ्रेड्स को दिखाया गया है, फेस फैब्रिक को दिखाया गया। ए पहला जो है वो सिक्स पिक्स पर बनाया गया है, दूसरा बीम 8 पिक्स पर है और थर्ड जो दिखाया गया है वो 18 पिक्स पर बनाया गया है। इस तरह ये हमारा ऑर्डिनरी बेल्ट स्ट्रक्चर बन गया है। ये जब सेलवेज टू सेलवेज एक जैसे मार्क एक ही लाइन में जब मार्क लगे होते हैं या एक ही लाइन में जब स्टिच मार्क होते हैं, एक सीधी रेखा या रिब बनता है, कॉर्ड बनता है, वो वेल्ट स्ट्रक्चर कहलाता है। लेकिन अगर यही जिगजैग मैनर या इरेगुलर मैनर में स्टिच मार्क लगाए जाएं तो वो स्ट्रक्चर पीके स्ट्रक्चर हो जाता है। उपरोक्त आकृति में फिगर में कुछ साधारण वेल्ट संरचनाओं को दिखाया गया है। चित्र ए सी और ई साधारण वेल्ट संरचना के निर्माण में पहला चरण दिखाते हैं और चित्र एक में बी डी और एफ इसी का अंतिम डिजाइन दिखाते हैं। ऊपर दिखाए गए तीन अलग अलग वेल्ट डिजाइन क्रमशः 6, 8 और 18 पिक्स के दोहराव पर निर्मित है। स्टिच वार्प के लिए फेस का अनुपात 2:1 रखा गया है। स्टिच एंड्स को छायांकित वर्गों द्वारा इंगित किए जाते हैं। रीड के प्रत्येक भाजन में प्रत्येक डेंट में एक फेस, एक स्टिच और एक फेस के क्रम में सिरों को व्यवस्थित यानी एंड्स को व्यवस्थित किया जाता है। फाइनल डिजाइन बी डी और एफ में ठोस ब्लैक जो निशान दो लगातार पिक्स पर प्लेन फेस की बनावट में टाइट स्टिच के एंड्स को इंगित करते हैं। वेफ्ट वर्डेड वेल्ट स्ट्रक्चर। स्टिच संरचनाओं के मामले में वेडिंग थ्रेड्स को बाना तरीके यानी वेफ्ट वे से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। वेडिंग थ्रेड्स का उपयोग करने वाली वस्तु में हॉरिजॉन्टल कॉर्ड्स की प्रमुखता को बढ़ाने और कपड़े को भारी बनाने के लिए किया जाता है। वेडिंग वेफ्ट ग्राउंड वेफ्ट की तुलना में मोटे होते हैं और एक स्थान पर पिक्स के एक जोड़ी के रूप में डाले जाते हैं जो कि इंटरलेस कहीं नहीं करते, फेस और बैक के फ्लोट्स के बीच में रेस्ट करते हैं। ये केवल एक तरफ कई सटल बक्से के साथ यानी मल्टीपल सटल बॉक्स के साथ प्रदान किए गए करगे के साथ प्राप्त किया जाता है। फेस के एंड्स को वेडिंग पिक्स के ऊपर उठा दिया जाता है जबकि स्टिच के सिरों को नीचे
छोड़ दिया जाता है। कभी-कभी एक ही तरह के बाने का उपयोग फेस और वेडिंग दोनों के लिए किया जाता है। ऐसे मामलों में करगे के प्रत्येक साइड पर सिंगल बॉक्स ही लगाए जाते हैं और ऐसे मामलों में एक जगह पर एक वेडिंग पिक ही डाली जा सकती है। वेडिंग पिक्स केवल अतिरिक्त पिक्स के रूप में डाले जाते हैं और टेकअप गति को या वेडिंग या तो वेडिंग पिक्स पर निष्क्रिय किया जाता है या इसे केवल फेस पिक्स के संदर्भ में काम लिया जाता है। चित्र दो में वेफ्ट वाडेड वेल्ड स्ट्रक्चर डिजाइन के विभिन्न डिजाइनों को दर्शाया गया है। चित्र ए बी और सी क्रम से 8, 10 और 24 पिक्स पर दोहराते हुए वेफ्ट वेडेड वेल्ड के डिजाइन दिखाए गए हैं। स्टिचिंग वार्प को ठोस शेड सॉलिड शेड वेडेड धागे सर्किल क्रॉस मार्क द्वारा और सादे प्लेन थ्रेड्स को क्रॉस मार्क द्वारा इंगित किया गया है। जैसा कि डिजाइनों में देखा जा सकता है स्टिच 3 पिक्स पर होती है। चित्र डी डिजाइन ए के क्रॉस सेक्शन व्यू को दिखाता है। यहाँ पर देखिए ए बी और सी ये 3 स्ट्रक्चर यहाँ दिखाए गए हैं जिसमें हमने फेस फेस वाडेड वाडेड फेस फेस और स्टिच स्टिच इस तरह फेस वाडेड फेस और स्टिच इसको हमने इस तरह इस मैनर में लिया है। वेफ्ट को और वार्प को फेस स्टिच फेस हमने लिया है। वेफ्ट वाडेड थ्रेड डाला है। अब इसमें जब हम मार्क करते हैं फेस थ्रेड्स में प्लेन भी फिल करेंगे जो कि क्रॉस से हमने मार्क किया है और वाडेड थ्रेड्स को स्टिच थ्रेड्स फेस थ्रेड्स के ऊपर और स्टिच थ्रेड्स पर डाउन रखेंगे। तो स्टिच थ्रेड्स पर उसको सर्किल्ड क्रॉस से हमने यहाँ दर्शाया है और स्टिच थ्रेड को स्टिच वेफ्ट के साथ सॉलिड मार्क के साथ यहाँ पर दिखाया गया है। इस तरह ये हमारा डिजाइन तैयार हो गया है। इसमें 2 वर्डेड पिक्स हमने इसमें इंसर्ट किए हैं जो कि क्रॉस सेक्शन व्यू में आप देख सकते हैं। 2 ब्लैक डॉट्स बीच में दिखाए गए हैं स्टिच थ्रेड और फेस फैब्रिक के बीच में। फास्ट बैक वेल्ड्स इस प्रकार की संरचनाओं में स्टिचिंग सभी या कुछ वेडिंग पिक्स के साथ प्लेन मैनर में इंटरवोवन किया जाता है जबकि लूज बैक प्रकार की संरचनाओं जो कि पहले हमने पढ़ी हैं पिछले 2 प्रकार के स्टिच सिरों को केवल इंडेंटेशन बनाने के लिए ही उठाया जाता है। इनकी स्टिच के थ्रेड सिर्फ इंडेंटेशन के लिए बनाए गए हैं जबकि फास्ट बैक में उन फास्ट बैक वेल्ट के मामले में कपड़े के पीछे स्टिचिंग फ्लोट की लंबाई कम होने से आकस्मिक क्षति को कम करने के लिए अधिक सेवा योग्य कपड़ा कम उत्तरदायी होने में मदद मिलती है। चित्र 3 में एक फास्ट बैक वेल्ट संरचना के डिजाइन को दर्शाया है। चित्र ए एक फास्ट बैक वाडेड वेल्ट संरचना और चित्र बी में डिजाइन के क्रॉस सेक्शन को दर्शाया गया है। 1, 2, 3 व 4 धागे फेस और स्टिच ताना को दर्शाते हैं। देखिए यहाँ फिगर में फेस स्टिच फेस इस तरह ये हमने दिखाया है। वेफ्ट को फेस वार्डेड फेस और स्टिच इस तरह हमने इसको मार्क किया है। अब इसको पहले हम प्लेन वही मैंने तरीका वही है पहले फेस थ्रेड्स में फेस वीव जो कि प्लेन है वो फिल करते हैं फिर स्टिच थ्रेड्स में दोनों स्टिच वेफ्ट को हम सॉलिड ब्लैक मार्क से दिखाया है और वार्डेड थ्रेड्स जो कि हमने बीच में लिए हैं 2 वार्डेड थ्रेड्स उनको हम अपने 2 स्टिच थ्रेड्स से प्लेन मैनर में स्टिच करेंगे। तो पहला स्टिच थ्रेड पहले वार्डेड थ्रेड से ऊपर है और सेकंड वार्डेड थ्रेड के नीचे है और दूसरा स्टिच वार्प जो है पहले वाले वार्डेड के नीचे और दूसरे वाले के ऊपर है। इस तरह प्लेन मैनर में स्टिच थ्रेड वार्डेड थ्रेड के साथ इंटरलेस करता है
और ये फास्ट बैक स्ट्रक्चर बन जाता है। फिगर्ड पीके, वेट्स और पीके, फिगर्ड पीके कपड़े जिन्हें फैंसी टॉयलेट क्लॉथ भी कहा जाता है, वेट्स और पीके के रूप में संरचनाओं के एक ही समूह से संबंधित है। इस प्रकार की वेट संरचनाओं में इंडेंटेशन लगातार धसी हुई रेखाएं नहीं बनाते हैं, बल्कि कपड़े में आकृतियों के रूप में चलती है। जो इंडेंटेशन होती है वो एक फिगर के रूप में दिखाई देती है, यानी कि एक लाइन में स्टिचिंग नहीं होती है, उनकी स्टिचिंग फिगर के अकॉर्डिंग उनकी स्टिचिंग की जाती है। बाद के कपड़ों की तरह एक संरचनात्मक इकाई में लगाई गई पिक्स में तीन छोर, एक ग्राउंड, एक स्टिच और एक ग्राउंड, यानी वन फेस वन स्टिच और वन फेस के अनुसार व्यवस्थित होते हैं, जैसा कि आगे चित्र में चार में दर्शाया गया है। चित्रानुसार ए में आकृति यानी मोटिफ या फिगर को, बी में फिगर्ड पिके संरचना की जो वीव है उसको, सी में ड्राफ्ट को, डी में पैक प्लान को दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पर हमने ए में मोटिफ लिया है, बी में इस मोटिफ को बनाने के लिए जो बैनर हमने लिया है, फेस स्टिच, जो मोटिफ के धागे हैं वो सारे स्टिच थ्रेड्स होंगे और उसको हम फेस के साथ लेंगे। तो फेस स्टिच फेस के अकॉर्डिंग हम इसका रेशियो लेते हैं, तो 15 थ्रेड्स पर 15 वार्प पर हम इसको बनाएंगे 15 बाई 10। तो जो अरेंजमेंट किया है वो हमने फेस S1 फेस, फेस S2 फेस, फेस S3 फेस, फेस S4 फेस, फेस S5 फेस, इस तरह हमने वार्प को मार्क किया है। और इसमें पहले फेस थ्रेड्स में हम फेस वीव फिल करेंगे जो कि हमारी प्लेन वीव है, और उसके बाद जो स्टिचिंग वाला मोटिफ है उस मोटिफ के अकॉर्डिंग एज इट इज जो स्टिच पिक्स जहाँ पर इंटरलेस हो रहा है, सॉलिड मार्क यहाँ दिखाया गया है, उसको हमने स्टिच वाले थ्रेड्स में S1 में S2, S3, S4 और S5 में फिल कर देंगे। तो इस तरह ये हमारा फिगर्ड पीके का जो वीव है वो तैयार हो गया है। इसका ड्राफ्ट और पैक प्लान यहाँ सी और डी में दर्शाया गया है। कुछ और स्पेशल रिब्स एंड कॉर्ड्स को, फिगर्ड पीके को यहाँ पर वॉडेड थ्रेड्स के साथ कैसे बनाया जाएगा ये दिखाया गया है, जिसमें कि हमने देखिए कि जो एरो मार्क है मोटिफ के एरो मार्क्स बीच में दिखाया गया है जॉइंट्स पर, वहाँ पर दो दो वॉडेड थ्रेड्स इंसर्ट किए गए हैं ये देखिए, और बाकी सेम प्रोसेस है जैसा कि हमने पिछले उसमें फिल किया है। और इस तरह ये हमारा वॉडेड फिगर्ड पीके का वीव है। तो आज के इस लेक्चर में आपने स्पेशल रिब्स एंड कॉर्ड्स की विभिन्न संरचनाओं को पढ़ा, उनको समझा, और आई होप कि आप इसको अपने आप से अच्छे से बना पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू।